नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सो सही आंसर इसका चंबल। शिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है और ये भारत की पवित्र नदियों में से एक है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है और दुआ दस ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भी यही है और यह इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बडली नामक स्थान से निकलती है और 196 किलोमीटर बहने के बाद मंदसौर में चंबल में मिल जाती है। खान नदी और गंभीर नदी इसी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? गोदावरी नदी है वो नहीं निकलती है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी, तवा और जोहिली नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है और पुराणों में जोहिला को ज्योतिर्रथा के नाम से भी पुकारा गया है और जोहिला नदी की कुल लंबाई है वो 170 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 33, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो सही आंसर इसका अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी, तवा नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है और यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो सही आंसर इसका नर्मदा एवं तापी नदी। तापी नदी या तापी मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी है जो अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? सही आंसर इसका नर्मदा। नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियां हैं जो ब्रंश घाटियों से होकर बहती है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? सही आंसर इसका तापी। कोलेरू मीठे पानी की झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच है और कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। बंगाल की खाड़ी में विलीन होने से पहले कावेरी नदी बड़ी संख्या में सहायक नदियों में टूट जाती है और यह एक डेल्टा बनाता है जिसे दक्षिण भारत का उत्थान कहा जाता है और महानदी डेल्टा उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही आंसर इसका नर्मदा। नर्मदा नदी पठारी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग को मालवा के पठार के रूप में जाना जाता है और दक्षिणी भाग को दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी 1465 किलोमीटर। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में उत्पन्न होकर यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है जिसमें केवल गंगा और सिंधु नदियां इससे बड़ा जल निकासी बेसिन है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। गोदावरी नदी को अक्सर प्रायद्वीपीय नदियों के बीच बड़े आकार और सीमा के कारण वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। गोदावरी नदी उत्पत्ति की पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले में निकलती है। इसकी लंबाई है प्राय 1465 किलोमीटर। तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।